मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो रही दो दिवसीय खनन कॉन्क्लेव के समापन सत्र में शामिल हुए। यहां उन्होंने उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि माइनिंग बड़ा संकट वाला विभाग है, बहुत सोच समझ कर साइन करना पड़ता है। माइनिंग डिपार्टमेंट मैंने इसलिए अपने पास रखा क्योंकि इसमें बहुत शिकायतों की बातें आती थी। सीएम ने कहा कि आज माइनिंग सेक्टर में 20,000 करोड़ के प्रस्ताव राज्य सरकार को मिले हैं। व्यापार व्यवसाय में उद्योगपतियों की बड़ी भूमिका है, इसलिए सरकार लगातार इस पर फोकस कर रही है और हर महीने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रही है। प्रधानमंत्री की नीति और सोच के चलते माइनिंग के काम में शुचिता आ गई है। एमपी में माइनिंग सेक्टर में राजस्व अभी 10,000 करोड़ मिल रहा है, जिसे 50,000 करोड़ तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के उद्योग लगाने की राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है और पूरा सहयोग करेगी। ग्रेनाइट का बताया, अभी जो मुझे बताया कि ये जो वहाँ कर्नाटक में, आमतौर पर हम ये सब चीजें खदान के मामले में आंध्र कर्नाटक तमिलनाडु पे ही देखते थे, लेकिन हमारा अपना यहाँ की पत्थर की कृति, यहाँ की अपनी माइनिंग से निकली हुई कृति और उसकी गुणवत्ता कितनी उच्च कोटि की, अभी अपन यहाँ देख करके आ रहे हैं। और वो नहीं, कितने प्रकार से, अलग अलग प्रकार से, आप सब ने भी अभी, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि भारत सरकार ने हमको नंबर वन का पुरस्कार दिया माइनिंग नीलामी को लेकर, तो वो केवल भारत सरकार की उस पॉलिसी को धन्यवाद देते।